केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को जिग्नेश मेवाणी पर निशाना साधते हुए उन्हें बिहार के प्रवासियों पर गुजरात में पिछले साल हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल जिग्नेश मेवाणी बेगूसराय लोकसभा सीट पर गिरिराज के प्रतिद्वंदी और भाकपा उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए वहां प्रचार कर रही हैं। दलित नेता और गुजरात बड़गांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिग्नेश ने गिरिराज के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो भाजपा नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवासियों के खिलाफ हिंसा के दौरान गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा की खामोशी के बाद गिरिराज का बयान ऐसा है जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवाणी बुधवार को बेगूसराय पहुंचे थे। वो अपने दोस्त कन्हैया के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं। बेगूसराय पहुंचकर उन्होंने एक नारा भी दिया था, दाल भात चोखा खाएंगे, कन्हैया कुमार को जिताएंगे। ठीक है, इसके बाद उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों से कन्हैया को वोट करने की अपील कर रहे थे। बोर लगी, कन्हैया कुमार को वोट दीजिए, मैं गुजरात से कहने के लिए आया हूँ, लेकिन वोट दीजिएगा कन्हैया कुमार को। वोट फॉर कन्हैया कुमार, अच्छा आदमी है, 3 साल से पहचानता हूँ, आपकी कसम, वोट दीजिए। इसके बाद बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने भी काफी हंगामे के बाद शुक्रवार को बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने ट्वीट किया कि अरे ये जिग्नेश मेवाणी बेगूसराय में क्या कर रहा है, गुजरात में सभी बिहारियों को मार मार के वहां से भगाया था और बिहारियों की माँ बहनों को भी परेशान किया था, ये जहां भी दिखे इससे सवाल जरूर पूछेगा कि इसने बिहारियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया था। जिसके जवाब में मेवाणी ने कहा कि मैं गिरिराज सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाला हूं, उनमें मुझ पर आरोप लगाने की साहस है, जबकि उनकी खुद की पार्टी तो गुजरात में सत्ता में है, वह इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मैंने विजय रूपाणी सरकार की भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की खुलेआम आलोचना की थी, जिन्होंने गुजरात में लंबे समय तक राज किया और हिंदी पट्टी से मिले प्यार एवं स्नेह के चलते राष्ट्रीय फलक पर प्रमुखता पाई। मेवाणी ने ट्वीट कर सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पैर रखने से पहले नरेंद्र मोदी जी आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब गुजरात में यूपी बिहार के लोगों को मारा जा रहा था तब आप खामोश क्यों थे, तब भाजपा के सारे चौकीदार सो गए थे क्या? कौन है जिग्नेश मेवाणी? जिग्नेश मेवाणी गुजरात के दलित आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। गुजरात बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक जिग्नेश युवा दलित नेता के तौर पर उभरे हैं। वो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक भी हैं। मेवाणी उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे जब ऊना में गोरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई हुई थी। उस हिंसा के विरुद्ध आंदोलन की अगुवाई मेवाणी ने की थी। मेहसाणा जिले में जन्मे जिग्नेश आजादी कूच आंदोलन चला चुके हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 20,000 दलितों को एक साथ मरे जानवर ना उठाने और मैला ना ढोने की शपथ दिलाई थी। मेवाणी ने कहा था कि दलित अब सरकार से अपने लिए दूसरे काम की बात करेंगे। वो दलित अस्मिता यात्रा भी निकाल चुके हैं। दूसरे युवा नेताओं की तरह मेवाणी के पास घूमने के लिए बड़ी कार नहीं है, लेकिन इस युवा के पास मेहनत, लगन और ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो दलित समाज को समानता और न्याय दिला सके। गुजरात में बिहारियों पर हमले की बात अब चुनावी मुद्दा बनते दिख रहा है। इस मामले पर अब कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गुजरात में बिहारियों पर हमले के मामले में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले भाजपाई अब जिग्नेश पर बिहारियों को परेशान करने का झूठा आरोप लगा रही हैं। वीजा मंत्री जी, ये बताइए, पिछले 5 साल में उधम मंत्री रहते हुए उधमों का उधम निकालने और भड़काऊ बयान देने के अलावा आपने और क्या किया? इस ट्वीट में कन्हैया ने हार्दिक पटेल का एक ट्वीट भी साझा किया, जिसमें उस वक्त हार्दिक ने एक हेल्पलाइन जारी की थी और लोगों को मदद करने का भरोसा दिया था। इसके अलावा एक और फोटो में उस वक्त जिग्नेश पर छपा एक आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें वो बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठा रही हैं। चुनाव में गड़े मुर्दे उखाड़ने और उन्हें विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की रीत तो चल ही रही है। कोई देश के मौजूदा हालात के लिए नेहरू को दोष दे रहा है, तब यह तो बस 1 साल पहले की घटना है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इससे किसको फायदा होता है और कौन जनता को समझा पाने में नाकाम रहेंगे। जो भी होगा इसकी जानकारी भी हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसीलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।